बिल्कुल, जो मेरी ये फाइट है ये मेरी मतलब काफी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मतलब बहुत अच्छी फाइटर के साथ मेरी फाइट होने वाली है। उसका मतलब स्ट्राइकिंग, मतलब उसका स्टैंडिंग गेम बहुत बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल मैं सभी से, जो मेरे फैन जो भी देखेंगे, मैं यही कहूंगी कि मतलब ये बहुत ही दिलचस्प मैच होने वाला है, तो आप बिल्कुल इस मैच को एंजॉय करेंगे और मेरी इम्प्रूवमेंट जरूर देखेंगे इस मैच में। So Tammy, she says that it's a very important fight in Ritu's career. It's going to be a milestone fight for her, and she's fighting an opponent who's really strong and whose striking game has been very strong in the last few matches. So Ritu says that in this match, her fans will get to see her improvement in her playing style, and it's going to be an interesting watch. बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि भी एक मतलब बी के साथ मेरा मैच मतलब काफी अच्छा होने वाला है, और बी बहुत ही मतलब उसका एक्सपीरियंस जो है वो मेरे से ज्यादा है, और वो मतलब उसका स्टैंडिंग गेम है वो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। तो बिल्कुल, मैंने उसके मैच देखे हैं उसके, तो बिल्कुल मैंने उस चीज पे काम किया है, और वो आप मैच में देखेंगे कि मतलब रेसलिंग हैवी पड़ती है या स्ट्राइकिंग हैवी पड़ती है। Tammy, she says that B, yes, of course, is a great fighter because she's more experienced than Ritu, and Ritu has studied all her previous matches. Her standing game has been extremely strong. She says that, it'll be a great watch for fans to figure if wrestling is stronger or the striking is something that gets an upper hand in this match. बिल्कुल, जो मुझे मतलब अपने रेसलिंग पे कॉन्फिडेंस है और मेरे रेसलिंग उससे बेटर है, तो बिल्कुल उसकी रेसलिंग इतनी बेटर नहीं है जो जितनी मेरी है, तो मुझे अपनी मेरी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस है, तो बिल्कुल मैं अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम किया है बिल्कुल, क्योंकि मैं टेक डाउन करके और फिर मतलब एक एज ए रेसलर, तो मैं अपना जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मुझे रेसलिंग आती है, तो मैं उसको टेक डाउन करके वहां पे उसको फिनिश कर सकती हूँ, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस है। She thinks that B's weakness is that B's wrestling is not as strong. So Ritu's strength is going to be B's weakness, Tammy. She says that because of her wrestling history, she'll be able to take down on B more efficiently and effectively, and she'll be able to finish her off in the game. मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब मुझे मतलब मेरे पर्सनली व्यू कि मुझे नहीं लगता कि मेरी रेसलिंग को कोई मतलब उसका डिफेंस कोई कर पाएगा, तो मुझे अभी तक तो नहीं लगता कि एमएमए में और वन चैंपियनशिप में ऐसी कोई फाइटर है जो मुझे मतलब रेसलिंग में मुझे टक्कर दे। Tammy Ritu very unabashedly says that her wrestling is on a different league altogether, and she does not think that there is any fighter in the one family who can even come sort of neck to neck with her in the game. Wrestling is something that Ritu thinks it's Ritu's game, and Ritu can take on anyone that enters the circle or the ring. मैं बिल्कुल मैं ये नहीं सोचती कि मेरी अपोनेंट क्या करते क्या नहीं, तो मैं उसको कोई भी चांस नहीं दूंगी कि वो मेरे पे अटैक करे कुछ भी, तो मुझे जो करना है मैं वहां पे जाके मैं अपना वहां पे जाके अपना करूंगी, और मैं ये नहीं देखूंगी कि वो क्या करेगी, मैं उसको कोई भी चांस कोई भी एक मोमेंट नहीं देना चाहती कि वो मेरे पे अटैक करे। So Tammy, she says Ritu does not really think about the approach that the opponent is going to take. All that she's bothered about is her approach towards the game. And once she's got the game plan ready, she's got nothing to worry or nothing to be bothered. Nothing hassles her or worries her if she's got the game plan straight now. बिल्कुल, एक एथलीट मतलब होने के नाते मतलब एक एथलीट को एक वॉरियर को हमेशा मतलब फाइट के लिए रेडी रहना चाहिए, तो बिल्कुल मैं हमेशा रेडी रहती हूँ कि चाहे मेरी फाइट अभी और उसके 4 वीक के बाद फिर से मेरी फाइट हो, तो मैं बिल्कुल उस चीज के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया है और एक एज ए वॉरियर मैं हमेशा रेडी हूँ। So Tammy Ritu says that the timelines don't matter, but the preparedness does. And she's a warrior at heart, and an athlete has to be ready no matter when to set the ball rolling. She's ready at any hour of the day or the night to
मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि मैं प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं लेती, लेकिन कॉन्फिडेंस उस चीज से मुझे बिल्कुल आता है कि मैं अब तक अनबीटेड हूँ, और मैं यही चाहूंगी कि एमएमए में मेरा रिकॉर्ड मतलब अनबीटेड का ही रहे। तो बिल्कुल मैं उस चीज के लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ, और मेरा हार्ड वर्क ही मेरा कॉन्फिडेंस है। Tammy, she says, of course, it's boosted her confidence. However, yes, having said that, she says that she doesn't usually feel pressurized. She doesn't let anything bog her down. And she's been unbeaten so far, and she wants to maintain this track record for her future fights too. And hard work is her confidence, and she completely believes. बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि मतलब ये बहुत ही अच्छी फाइट होने वाली है, और बिल्कुल अर्जुन बुलर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल यही चाहूंगी कि वो मतलब इंडिया के लिए वो बेल्ट लेके आए, और क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, तो बहुत सारे तो मैं यही कहूंगी कि वो मतलब अपना बेस्ट देकर और मतलब इंडिया के लिए वो बेल्ट लेके आए। बिल्कुल मैं उसके मैच देखे हैं, तो वो मतलब काफी मतलब उसके मैच बिल्कुल क्लियर और क्लीन होते हैं, तो बिल्कुल मैं यही चाहूंगी कि वो अपनी स्ट्रेटजी अपना कर, अपना गेम प्लान करके और वो बेल्ट जरूर जीते। So, yes, Tammy, she says that it's going to be a thrilling game. And she hopes the belt comes back home, and she's seen some of Arjun's fights, and she thinks that he's very clean, clear in the circle. So yes, she's hopeful that you know, he lives up to a lot of expectations, you know, expectations on him from the countrymen. बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि मतलब ये बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच होने वाला है, और सभी को मतलब काफी सभी को काफी मतलब एंजॉय करेंगे इस मैच में, और मेरी कुछ मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज देखेंगे, जो मतलब मेरी अपोनेंट जो मेरे वेट की कोई भी फाइटर मेरे से एक्सेप्ट नहीं करती, तो शायद वो चीज इस मैच में देखे वो। बिल्कुल मतलब मैं मतलब सभी को चौंकाने वाली हूँ, मतलब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड करने वाली हूँ। She says it's going to be an exhilarating one, and she's going to do something really unexpected during this fight. So she cannot divulge much details, but she says that no, wait and watch for Ritu to unfold a side of hers that she hasn't yet.